आज हम बात करेंगे कैथोड रेस की, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की हुई थी, यानी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री बाय आनंद वर्मा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर क्या है? एटम। बट आफ्टर सम टाइम एटम्स आर डिवाइडेड इंटू सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कैथोड एक्सपेरिमेंट की, जिसको जे थॉमसन ने किया हुआ था। आइए देखते हैं क्या था। इन्होंने क्या किया? एक कैथोड ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब ली। कैथोड ये है और ये क्या है? ये एनोड है। कैथोड माइनस चार्ज होता है और एनोड प्लस चार्ज होता है। वैक्यूम लगा है गैस को मेंटेन करने के लिए और इसमें हम लोगों ने H2 गैस ले रखा है। इन्होंने क्या देखा? एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नथिंग इज एब्जॉर्ब, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इन्होंने लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ। एट 10^2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रीनेस्ट ब्लू स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन। जब प्रेशर बहुत कम किया, 10^2, बहुत ज़्यादा प्रेशर कम किया, तब इन्होंने क्या देखा? ग्रीनेस्ट ब्लू स्ट्रीम ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो कि कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड रेज इज ए स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्या है? स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल, जिनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड रेज के लक्षणों की, देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चलेगा? कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इनके बीच कैथोड और एनोड के बीच में एक पतली पन्नी रख देते हैं, तो ये क्या कर देती है? उसकी शैडो बना देती है पन्नी की, जिससे ये पता चलता है जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कैथोड रेज हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड दे हैव पार्टिकल नेचर। कैसे पता चलेगा? जब कैथोड और एनोड के बीच में हम लोग एक व्हील रख देंगे, तो ये क्या करते हैं? व्हील को घुमा देती हैं, जिससे पता चलता है इनका नेचर क्या है, पार्टिकल है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा? तो देखते हैं ये क्या होते हैं। कैथोड रेस हमारी प्लस चार्ज की ओर क्या होती हैं? डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है दे हैव निगेटिवली चार्ज, क्योंकि प्लस और माइनस जब होगा तभी अट्रैक्ट होगी, और अगर माइनस माइनस होगा तो ये अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ? ये प्लस की ओर अट्रैक्ट हो गई, तो इस वजह से ये क्या होगी? माइनस चार्ज हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? ये यहाँ पे भी प्लस यानी नॉर्थ की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो माइनस होता है वो साउथ होता है, प्लस जो होता है पोल वो क्या होता है? नॉर्थ होता है। इनकी हीटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड दे हैव पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं? इनके पास पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स की। हालांकि ये क्वांटम नंबर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एटम होता है, एटम के अंदर शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है। ठीक है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बात समझ में आई? क्या एटम होता है, एटम के अंदर फिर क्या होंगी? शेल होंगी। शेल को जैसे KLMN बोलते हैं, और शेल को ही क्या बोलते हैं? या हम लोग ऑर्बिट बोलें, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलें, या एनर्जी लेवल बोलें, या पीरियड बोलें, सब एक बात है। और सब सेल में क्या होता है? SPDF। ठीक है, सब सेल क्या होते हैं? SPDF होते हैं। और इसमें क्या होता है? ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।